It's nothing doing to be serious and there is nothing to be point panic. लेकिन यह होता क्या है, दे थिंग्स पैनिक एंड सीरियसनेस कमिंग ऑल अराउंड द वे फ्रॉम ऑल कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी एंड ईच एंड एवरी वन आई मीन ऑफ द नॉर्मल मेम्बर ऑफ द सोसाइटी दे स्टार्टेड शाउटिंग क्राउइंग फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर. दिस इज द ओनली प्रॉब्लम विद अस टुडे. अच्छा सर, जैसे बारिश और ये बारिश का मौसम है, काफ़ी लैंडस्लाइड चारों तरफ आ रहा है, सर आपका तरफ से कैपिटल के लोगों को क्या एक अपील रहेगा कि जो भी है सर? देखिए बारिश का मौसम, आप बारिश के लिए रो रहा है, आप नेशनल न्यूज देखिए, एनसीआरटी में 100-100 आदमी डेली 100 अबव पीपल मर रहा है, दे आर डाइंग. नोएडा पकड़ लो, अब इधर गाजियाबाद पकड़ लो, 35 आदमी 40 आदमी 150-200 आदमी मर रहा है, दे आर डाइंग. लेकिन हमारा इधर एक छोटा सा रोड ब्लॉक, छोटा सा प्रॉब्लम को अगर हम कोई बात अगर बोलने जाएगा कि पब्लिक का प्रॉब्लम है, बोलने जाने से इसको बड़ा चरा के अलग अलग बोलता है. इसलिए आजकल हम मीडिया में भी थोड़ा कम आना चाहता है, क्योंकि सब आदमी गलत मतलब निकलता है और कोई कोई लीडर है जो आपके सामने मीठा मीठा आके बोल देगा, बाद में खबर नहीं लेगा, ऐसे वाला को यहाँ ताली बजाता है, वो हम पसंद नहीं. इसलिए जो भगवान का दिया हुआ है धूप बारिश तूफान फ्लड, आप लोग भी चिल्लाने का दरकार नहीं है, माइंड मत करिए. ये दुनिया का रीत है, गर्मी में गर्म दिन में आदमी मरता है, फ्लड में आदमी मरता है. यहाँ तो क्या है, आप वो जितना माउंटेन एरिया आप ऋषिकेश हिमाचल साइड में देखिए, बर्फ में ऐसे फ्लड में हजारों आदमी मरता है. लेकिन हम लोग मरना है वो मेरा बोलने का मतलब नहीं है. हम लोग का मतलब ये है कि हम लोग होशियार रहना है, हम लोग चौकना होना है, हमारा रास्ता ब्लॉक होता है, पानी का प्रॉब्लम होता है, बिजली का प्रॉब्लम होता है, सरकार किस लिए बैठा है? बस्ती वाला के लिए रूरल में पंचायत बोधी चुना हुआ है, दे विल डू दे विल एक्ट. मेरा दोस्तों पब्लिक को हम आपका जरिए से बताते, आप चिल्लाने जरूर नहीं है, आपका पंचायत वाला जिला वाला करेगा नहीं करेगा वो लोग को आप लोग जवाब दो, पब्लिक जवाब दो, पब्लिक मतलब उसको दिख करो इलेक्शन का समय में. ज्यादा लंबा चौड़ा हम आप लोग को जवाब नहीं देगा. अगर रूरल का बात है, ये जगह आपका अंदर आता है, तो मेरा अंदर का बात नहीं कर रहा है, हम कोई किसी का अंदर में नहीं है, पंचायत का अंदर आता है, सब पंचायत का अंदर है, पंचायत करेगा. अगर रूरल का अंदर आता है रूरल करेगा, एक ही चीज. अगर अगर आप अर्बन का बात करेगा तो अर्बन बॉडी उधर है, कोई शाउटिंग करने जरूरत नहीं है, जो अर्बन में बैठा हुआ है वो लोग का आग नाक हो रहा है. लेकिन बारिश होगा, ये बोला है रोड ब्लॉक होगा, वो हम लोग काम करेगा. ऑन द टॉप एमएलए बैठा हुआ है, मिनिस्टर बैठा हुआ है, चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो लोग सो नहीं रहा है. पब्लिक तकलीफ है, रास्ता ब्लॉक हो गया, पढ़ाई लिखाई में तकलीफ हो रहा है, ट्यूशन जाना है, वो जाना है, खाली आप सोशल मीडिया में जाके बोल दो, पीपल विल डू, पंचायत विल एक्ट, म्यूनिसिपल विल एक्ट, सरकार विल एक्ट. आप लोग को भी मीडिया वाला को भी इतना तकलीफ चल के आने का जरूरी नहीं है. और जहाँ भारी भारी से हम बोलता है, गर्म दिन है ठंडा दिन है फ्लड है मरता है जीता है होता ही है, हम लोग का हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाला का हाथ में है. इसलिए कोई किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ये आपका निगेटिव क्वेश्चन है, कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता है. कोई भी प्रॉब्लम आएगा, कोई भी इशू आएगा, हम एज ए सीनियर मैन बोलता है किसी को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं होगा, टीम वर्क है. मीडिया वाला भी कोई भी चिल्लाने जरूरत नहीं है, टीम वर्क है, टीम एक ग्रुप में मिलकर काम करना है. कीप ऑन ब्लेमिंग विल नॉट द सॉल्यूशन. सर ये रास्ता अभी जो ये जो रास्ता जो है ये क्या काम का नहीं है क्या सर? कौन रास्ता? ये रास्ता जो रोड वाला दुनिया का, ये रास्ता को आप छोड़ दो, दुनिया का हर रास्ता काम का है. हाँ, और दुनिया में सब जगह फ्लड होता है, सब जगह बारिश होता है, धूप होता है, उसके लिए बिल्कुल दुखी नहीं होना है. हम लॉजिक के लिए बोल रहे हैं, सरकार बैठा हुआ पेमा खांडू जी बहुत कैपेबल है, अभी अभी उसका नया टीम बना है, वो जो भी करेगा समय में करेगा. परसों दिन उसका बैठक हुआ, सिर्फ ये करसिंह साहब बांदरगोआ नहीं बोल के ऑल अरुणाचल में जितना प्रॉब्लम है संज्ञान ले रहा है उसको. आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोग पॉजिटिवली सोचिए, इसका काम पूरा पक्का होगा. सर ये बांदरगोआ और करसिंह साहब का पब्लिक को मेरा एक मैसेज है, यहाँ में कोई भी प्रॉब्लम होगा और भी जो प्रॉब्लम आएगा ये नया प्रॉब्लम नहीं है,
आप सब लास्ट ईयर देखा है अरुणाचल का सबसे ईटानगर का सबसे तकलीफ क्या है मालूम है? बरेल ग्राउंड, आप लोग बोलना भूल जाता है, ये स्कूल का रास्ता का ये तो चलते रहता है। सिंगल बरेल ग्राउंड जो ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हम क्रिमिट्रीम ग्राउंड बना के रखा था, फुल ऑपरेशनल था, आप लोग भूल गया साहब। सबसे इम्पोर्टेंट बात मीडिया दोस्तों, वो डूब गया बारिश का कारण, हमने चिल्लाया नहीं क्योंकि वो नेचर है। वो बायोडक बनाया, बायोडक का अंदर क्रीमेटर मशीन डूब गया हुआ 2 करोड़ का, और वो इम्पोर्टेंट है। ये रास्ता अगर कुछ 19-20 होने से भी 10 रास्ता निकलेगा, लेकिन क्रीमेशन ग्राउंड 2 नहीं निकलेगा। फिर भी वो भी हम लोग संज्ञान में रखा हुआ, हम लोग काम करेंगे। बांद्रदोहा और कृष्ण साह का आदमी को एक मेरा मैसेज है, सरकार हम लोग अभी आया है, हम लोग बात करेंगे। इधर जो भी तकलीफ है म्यूनिसिपल से जो काम बनता है, अभी हमने यहाँ मीटिंग किया, आगे जाके हम मीटिंग करेंगे। मेरा जनरल बॉडी से, मेरा कमिश्नर से, ऑफिसर्स से हम मीटिंग बैठक करेंगे, हम लोग संज्ञान लेके डिसीजन लेगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अंदर जो बनता है वो हम करेंगे पक्का, जो नहीं बनता है हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, हम लोग छोटा बच्चा नहीं है, माइंड मत करिए आप लोग, इसलिए हम बोला बोलने का यहाँ कुछ नहीं। जो हमसे बनता है हम करेंगे, जो हमसे नहीं बनता हम सरकार को करेंगे। यहाँ से नहीं बनता है तो मोदी जी का ऊपर कोई भी नहीं, मोदी पक्का करेगा। मोदी के लिए ये कुछ भी नहीं है, ये किसी का गलती नहीं है, ये ऊपर वाला का रूटीन प्रॉब्लम है। प्लीज़ पैनिक नहीं होना है, सबको नमस्कार, शांति बनाए रखिए। और अगर ये काम अभी हम लोग नहीं कर रहे, ये कोई भी कर रहा है जो सोशल सर्विस वाला, को मेरा रिक्वेस्ट है, रात को भी बारिश आएगा, कल भी आएगा, आप इस ढंग से करिए। इंजीनियर ले हो, कोई थोड़ा टेक्निकल वाला ले हो, जो भी ले हो, अच्छा काम करो, पीछे हम लोग सब मदद करेगा, वो भी संज्ञान में रखना। थैंक यू सो मच।